गुड इवनिंग सर। मैरी पार्कर फोले के बारे में हमें पढ़ना है अभी, और इनका जो थिंकिंग लाइन है वो एक तरीके से जो बाहरी दुनिया के लोगों को लगता है या जो बाकी थिंकर्स को लगता है वो है कंफ्यूज्ड अप्रोच। तो क्या बोलते हैं, कंफ्यूज्ड अप्रोच। व्हाई? बिकॉज सिलसिलेवार नहीं हो पाई, सिस्टमैटिक नहीं हो पाए। और सिस्टमैटिक होने के लिए क्या होना होता है, सिस्टमैटिक होने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत होती है थ्योरी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी में। पहली चीज है कि अगर आप थियोराइजेशन कर रहे हैं तो हाइपोथेसिस लें, और अगर हाइपोथेसिस ले रहे हैं तो उसको प्रूफ करें, और प्रूफ कर रहे हैं तो उसको रियल लाइफ में भी प्रूफ करें, जिसको फील्ड इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं या फील्ड चेकिंग बोलते हैं। और उसके बाद जो चौथी चीज है, उसका जो रिजल्ट या फीडबैक आता है उसको भी देखें कि कितना परसेंट या कितने परसेंट लोग उसे सेटिस्फाइड है 100% में से। तो अगर उसमें से कहीं से भी 50-60% से ऊपर सेटिस्फाई होता है आदमी, तभी माना जाएगा कि हाइपोथेसिस रियल लाइफ में भी सक्सेसफुल है और जो लोग कह रहे हैं वो उसमें सक्सेसफुल हो पाया है। लेकिन ऐसा फॉले जी के साथ नहीं हो पाया। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आइडियाज बताए, उसको कोलेट किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग में जो एक प्रवाह होना चाहिए, जो फ्लो होना चाहिए, एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, वो नहीं दिखाएंगे थिंकिंग। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज है इसका दूसरा पक्ष, जैसे कि ह्यूमैनिटीज में हर चीज का दूसरा पक्ष होता है, वो दूसरा पक्ष ये था कि इनकी थिंकिंग बहुत ही ज्यादा डायनेमिक मानी गई बहुत सारे लोगों के द्वारा। अब देखिए, यही एक चीज है कि एक पहलू, एक सिक्के का दो पहलू जो होता है, हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर देश का, हर इनोवेशन का, वो यही है। तो यहाँ पे मान लीजिए एटम बम को हम मान सकते हैं कि ये बिल्कुल ही बेकार चीज है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि इसका जो टेक्नोलॉजी है वो कितना ज्यादा एनर्जी दे सकता है, इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, और समाजों को ऊपर उठने में कितनी मदद कर सकता है। तो दैट्स वाई जो आइंस्टाइन का आइडिया था, आइंस्टाइन का कहना ये था कि कोई भी इनोवेशन, कोई भी आइडिया व्यर्थ की चीजों के लिए नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। साइंटिस्ट या इनोवेटर्स या जो लोग थ्योरी बनाते हैं वो कभी भी ये सोच के नहीं बनाते हैं कि इसको मैं गलत यूज हो या मिसयूज हो या इससे लोग कंफ्यूज हो जाएं। वो इसलिए बनाते हैं ताकि कुछ ना कुछ राहें खुलें। लेकिन इस कंफ्यूज्ड अप्रोच को दूसरी बाद में डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन का खिताब दिया गया। तो बाद में ऐसे सारे आर्टिस्ट के साथ, ऐसे सारे थिंकर्स के साथ हुआ है कि पहले उसको कंफ्यूज माना गया, क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन बाद में उसी पर डिपेंडेंसी बनाई गई। क्या बनाया गया? डिपेंडेंसी। और ये आपको हर थिंकर में समझना होगा। ये कोर थॉट मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थियराइजेशन में हर थिंकर और थ्योरी में ये जरूरी है, चाहे वो पब्लिक एड हो चाहे वो कहीं और की थिंकिंग हो। तो इतना समझ में आया शुभंकर जी? यस। चलिए, अब ये है इसमें कि जो सबसे बड़ी बात की, ये क्लासिकल थिंकर थी कि नियो क्लासिकल थिंकर थी, कि ये बिहेवियरल थिंकर थी, कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का थिंकर थी, या ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर है। तो एक्चुअली क्या है कि इनका जो थिंकिंग है आप देख रहे हैं, 1896 में, 1920 में, 1924 तक, 1941 तक इनकी किताब का जो अध्ययन हो रहा है, और ये खुद किताबें लिख रहे हैं। 1941 में इन्होंने डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका था, जितने भी लेटर्स पेपर्स थे, उसको मेटकाफ और उरिक ने एक बुक में कंपोज करके 1941 में पब्लिश किया। तो ये जो इनका मेजर थॉट का डायमेंशन चला 1896 से लेकर 1941 तक चला, तो ये अपने आप में शो करता है कि एक लंबे टाइम तक, कम से कम 5 डेकेड तक, ये अपने थॉट्स के साथ मार्केट में बनी रही। तो ये अपने आप में शो करता है कि इनके थॉट्स में जान थी, तभी एक के बाद एक किताबें निकल रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, सक्सेसफुल हो रही हैं, नए तरीके के लोग विचारधारा इनकी पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताबें लिख भी रही हैं और लिखने को मजबूर भी हो रही हैं।
और बाद में ये मजबूर होते हैं, वैसे थिंकर मेटकाप और उडविक जो कि बहुत बड़े दिग्गज हैं, थियरिस्ट हैं क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन के, खासकर उडविक और हेनरी मेटकाप भी जो है वो साइंटिफिक थिंकिंग में बहुत ऊपर थे। तो ये बताता है हमें कि लंबा थॉट, थॉट का जो प्रयोजन है वो बहुत दिनों तक चला है। और आप देखें तो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो ये आपको डेमोक्रेटिक दिखेगा कि डेमोक्रेसी की बात या पार्लियामेंट की बात कर रही है। न्यू स्टेट, तो ऑब्वियसली ये भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी की बात हो रही है, नॉट नेसेसरीली पार्लियामेंट बिकॉज दिस इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो ये अमेरिकन सेंस में लिखा गया होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्लियामेंट नॉट इन द सेंस ऑफ अमेरिका और समथिंग लाइक दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी। देन क्रिएटिव एक्सपीरियंस, अब ये क्रिएटिव एक्सपीरियंस कुछ नए तरीके का बुक लग रहा है इतर इससे। उसके बाद डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो सबसे ज्यादा फलीभूत होता है इनका आइडिया वो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और टाइप जो माना जाता है वो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप माना जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं मशीन मॉडल या डिजाइन मॉडल, ये क्लासिकल थिंकर्स को बोला गया, इसको क्या बोला गया, इसको मनी मैन भी बोला गया, मनी मैन भी बोला गया, मशीन मैन भी बोला गया। तो बाद के थिंकर्स जब आए तो उनको क्या बोला गया, जब नियो क्लासिकल्स आए तो उनको सोशल मैन बोला गया, इनकी थिंकिंग सोशल मैन की थिंकिंग है। लेकिन इससे इसके बाद या इसके साथ आप बोल रहे, और इसके बाद वाला जो प्रभावी थॉट है, थॉट इससे नहीं होता जन्म हुआ मृत्यु हुआ कब हुआ नहीं हुआ, थॉट कब प्रभावी हुआ इससे इवोल्यूशन होता है, इससे इवैल्यूएशन होता है उस एज का, जो हम इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पढ़ते हैं, ठीक है, पहले चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इवोल्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हर एज में देखा गया। तो ये जो सोशल मैन, मनी मैन से सोशल मैन, और सोशल मैन से जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैन में जाते हैं, तो उससे पहले भी एक डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आती हैं फॉले और अपना मार्क बनाती हैं, और इसीलिए इनको स्पेसिफिकली याद रखने की जरूरत है। और इनको कहा जाता है कि क्लासिकल और बिहेवियरल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है वो बिहेवियरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, और ये साइकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करना स्टार्ट कर चुके थे, और ये भी साइकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है। और इनकी थ्योरी जो है फिजियोलॉजिकल थ्योरी, फिजियोलॉजी या वर्क रिलेटेड मानी जाती है, डिजाइन रिलेटेड मानी जाती है। तो ये जो थिंकिंग है उससे पहले की थिंकिंग को एक स्पेशलाइजेशन के तौर पे डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, और डायनेमिसिटी में जो आगे का जो चलता है और इससे जो प्रभावित होते हैं, बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं इनके टाइम के पहले भी, जब ये लिखना और ये प्रसिद्ध होना स्टार्ट होती हैं, और जिनको यहाँ पे जहाँ पे रखा जा रहा है क्रोनोलॉजिकली या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी थ्योरी में जो रखा जा रहा है, उनसे पहले भी ये प्रसिद्ध थी किनके किनके साथ। तो क्लासिकल थ्योरी के साथ इनको एसोसिएट किया जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट की थ्योरी से एसोसिएट किया जाता है। और क्यों एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि इनकी फिलोसफी से इन्फ्लुएंस होने वाले ऑडवे टीड थे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महान विचारक थे, हेनरी फ्योल जो एक महान विचारक थे एडमिनिस्ट्रेशन के, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, उसके बाद ओलिवर शेल्डन थे जिनका बहुत ज्यादा गुणगान गाया जाता है, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा इन्होंने क्रिटिसिज्म किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन्होंने ओलिवर शेल्डन, उसके बाद लिंडल उडविक, उडविक भी बहुत ही महान जो है विचारक रहे। तो ये सारे जो क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन के पहुंचे हुए दिग्गज हैं उनको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया अपने टाइम में। अब बाद के टाइम में किनको इन्फ्लुएंस किया, तो बर्नार्ड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया, साइमन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया, राइट, मेटकाफ वगैरह देख रहे हैं आप, मेटकाफ और उडविक उससे पहले किताब लिख चुके हैं। उसके बाद जितने भी पार्टिसिपेटिव थिंकर हैं, अब ये पार्टिसिपेटिव थिंकर में जो प्रोमिनेंट नाम हमारे सिलेबस के हिसाब से आता है वो है मैकग्रेगर साहब, इसके बाद दूसरा नाम आता है आर जेरिस साहब, तीसरा नाम आता है लीकोर्ट साहब, उसके बाद ड्रकर साहब, ड्रकर तो इनको प्रॉफिट मानते हैं, प्रॉफिट ऑफ क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉफिट ऑफ डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीटर ड्रकर साहब, इसके बाद जो आपको ड्रॉर येजिकल, वाई ड्रॉर येजिकल ड्रॉर, ये इसराइल के थे और अमेरिका में इन्होंने काम किया, ड्रॉर साहब पॉलिसी एक्सपर्ट, इन्होंने भी बहुत ज्यादा इनका लोहा माना। और जबकि ये एक ही फेमिनिन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, मतलब थेरिस्ट के तौर पे ये उभरी, और सारा मेल फोक था उस टाइम में, क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान मेल पर्सपेक्टिव को बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था, महिलाएं कम से कम पार्टिसिपेशन करती थी वेस्टर्न सोसाइटीज में भी, जो कि सिविल जो राइट्स होता है 1940s और 50s के दरमियान जो आप NPA में देखेंगे उसमें फिर बढ़ता है पार्टिसिपेशन रेशियल क्लासेस का और महिलाओं का, विमेन का पार्टिसिपेशन उसके बाद बढ़ता है अमेरिका में। तो ये मैकग्रेगर, आर्जारिस, लीकोट, ड्रकर, येजकल ड्रॉर, बर्नार्ड, साइमन, पार्टिसिपेटिव थिंकर्स,
और ये जितने भी क्लासिकल थिंकर हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इनके थॉट में जान है, इनके थॉट में नयापन है, इनके थॉट में बहुत ही ज्यादा डायनेमिसिटी है। तो क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, हम उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके काम की हम बात करेंगे। तो देखेंगे कि मेजर वर्क क्या है पहले, और उसके बाद हम इनकी थ्योरी पे चलेंगे और उनकी थ्योरी को एक एक करके हम सैनिटाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या ये बोलता है। तो जो पग, हिक्सन एंड हिनिंग्स, ये तीनों राइटर, इसका नाम आप लिख सकते हैं, ये फॉले के बारे में बोलते हैं, द कोर ऑफ हर कंट्रीब्यूशन इज प्रपोजिशन दैट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी प्राइमरी टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू अरेंज द सिचुएशन दैट पीपल कोऑपरेट रेडिली ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में जाएं, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, तो लोग खुद ही सिचुएशन देख के काम करने लगे। इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है? इसका एक अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं वोटिंग में। वोटिंग में जब आपको बताया जाता है कि भाई वोटिंग करो 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 करो, या पैसे दिए जाते हैं तो आप नहीं करते, आप बोलते ये चूना लगा रहा है मुझे। लेकिन अगर आप गरीब भी हैं और हर बार जाके वोटिंग कर रहे हैं, ऐसे कई केसेज आए जिसमें कि 100+ वाले लोग भी जाके वोटिंग कर रहे हैं, या उनके पास जो मैकेनिज्म बनाया जा रहा है नियरेस्ट बूथ में, बहुत सारी चीजें की जा रही, तो ये क्या है? ये रेडिली कोऑपरेशन है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो अगर कोर ऑफ कंट्रीब्यूशन उनके आइडिया को दिया जाए तो वो बोलते हैं कि प्राइमरी टास्क ऑफ मैनेजमेंट है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में क्या है, कि अपने आप कोऑपरेशन होने लगे, अपने आप लोग आके काम करने लगे, सिचुएशनल लीडरशिप जनरेट होने लगे। और ये क्या है? ये है कि हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन जो वेबर महोदय का है या विल्सन महोदय का, जो इतना सेपरेशन वाला एजेंडा है, लोगों को नहीं अटैच करने देंगे, बहुत इंटरफेरेंस हो जाएगी वगैरह वगैरह, जो इतनी चिंताएं उनकी है उसको खत्म कर दे रही है। ये बोलती है कि लोगों में ऐसा चीज जज्बा पैदा कर दो कि वो खुद काम करने लगे, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप ऐसा हो कि लोगों को ये बोले कि भाई मेरा कमांड मत देखो ना, तुम अब देखो कि तुम्हारा सिचुएशन क्या है। अगर तुमको जो चीज काम करना है उसके लिए जो तुमको पैसे मिल रहे हैं, या तुमको आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, तो ऑटोमेटिकली तुम पार्टिसिपेट कर दो ना सिचुएशन को देख के। मैं तुमको क्यों बोलूं कि तुम काम करो? और अगर तुमको काम नहीं करना है तो वो भी सोच लो, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत जल्दी होना चाहिए, लोगों को स्वयं आके काम करना चाहिए। टेक्निकल जो चीजें हैं, जो टेक्निकल जिसके पास स्किल है, स्पेशलाइजेशन है, उसको तरजीह दी जानी चाहिए। एक्सपीरियंस को तरजीह देने से बजाय आप स्किल को तरजीह देते हैं, मतलब सीनियोरिटी को तरजीह ना देके हम स्किल को तरजीह देते हैं। ये आज के डेट तक चलता आ रहा है, जो हम 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं आज के डेट में, प्रोबिटी सॉल्व, ये सब जो हम पोर्टल बना रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी कर रहे हैं, उसमें क्या किया जाए? उसमें लोगों को बोला जाए तुम्हारा परफॉर्मेंस चेक हो रहा है, चारों तरफ से थोड़ा अच्छा काम करो। लेकिन पॉले इससे भी तर बोलती है कि अरे भाई तुम देखो ना कि स्किल ही अच्छा ले लो, तुम स्पेशलाइज लोगों को ले लो तुम, और उसको तरजीह दो, अपने आप वो करेंगे क्योंकि उनका स्किल ही है, उनको अच्छा लगेगा, मन लगेगा। जैसे एप्पल के फाउंडर बोलते हैं, या तो आपका मन लगे किसी काम में तो आप वो काम करो, या नहीं तो जो काम आप कर रहे हो उसमें मन लगा लो तो आपका मन लग जाए। कोई कोई आदमी इससे भी इतर होता है, तो वो उसकी हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज 360 डिग्री एनालिसिस हो, चाहे वो आज का पेमेंट सिस्टम हो, चाहे हम आज के एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लैट हायरार्कीज देखें, वो इन्होंने प्रभावित कर दिया था पहले ही। तो इनका थॉट कहाँ चला गया? क्लासिकल नहीं रहा, एक्स्ट्रा क्लासिकल हो गया, न्यू क्लासिकल भी नहीं रहा, मॉडर्निस्टिक हो गया। क्योंकि ये प्रभावित कितना कर रही हैं, तरंग कितना छोड़ रही हैं, वो कितना रिपल क्रिएट कर रही हैं आने वाले टाइम के लिए। और यही चीज टेलर क्यों प्रसिद्ध हो जाते हैं और महान हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, बिकॉज अभी तक उनका काम। वेबर क्यों महान हो जाते हैं? अभी तक उनकी हायरार्की को चैलेंज देने वाला कोई नहीं आया। फ्लैट हायरार्की, लेकिन हायरार्की है। मेरिट सिस्टम अभी बदल गया बहुत कुछ, लेकिन अभी भी मेरिट सिस्टम है। रिटन डॉक्यूमेंट अभी तक 311 गया नहीं, आर्टिकल 311 अभी भी है। तो पूरा का पूरा वेबर हर जगह विद्यमान है गॉड की तरह। तो ये थॉट, ये चीजें जो है इनको महान बनाती है। उनके मेजर वर्क क्या है? स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने बुक लिखी। न्यू स्टेट 1920 में बुक लिखी। क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में बुक लिखी। और इनके नाम पे डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन द कलेक्टिव वर्क ऑफ मैरी पार्कर फॉले, इसको कंपाइल किया। कलेक्शन ऑफ हर पेपर्स, जो पेपर्स लिखते हैं ये लोग, पीएचडी पेपर हो, थीसिस हो, एनालिसिस हो, उनको कलेक्ट करके एडिट कर दिया हेनरी मेटकाफ और एल उर्विक ने, लिंडल उर्विक ने 1941 में। तो ये चारों वर्क को आपको लिख सकते हैं आप, यहाँ तक डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखेगा तो भी चलेगा। पर डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैरी पार्कर फॉले, लिंडल उर्विक, हेनरी मेटकाफ, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, न्यू स्टेट, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये आपको
चारों वर्क कोट करना चाहिए जब भी आप लिखते हैं फॉले के, बीच में कहीं पे भी कोट कर दीजिए, स्टार्ट मत करिए, एंड मत करिए इन चीजों से, बीच में कहीं पे कोट किया करिए, जिससे कि ये लगे कि हाँ ये बंदे के पास कंटेंट भी है और ये जानता है कि क्या वर्क किए हैं वो। फॉलेज मेजर आइडिया किस किस तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। पहली चीज कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, वो बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है, टेबल पे आके बैठ जाओ। ये वो बात कर रही है प्रोफेशनल सेटअप में, ये ध्यान रखना है हमें ऑफिशियल सेटअप में। रियल लाइफ में कभी कभी जैसे लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन, दो भाई लड़ने लगते हैं और 20 साल तक लड़ते हैं, कोर्ट कुछ नहीं कर पाता। दिस इज लाइक, ये हम एग्जांपल यहाँ नहीं ले सकते, हमको एग्जांपल लेना है प्रोफेशनल और ऑफिशियल सेटअप में। ये ऑफिस में एक जो नियोक्ता और नियुक्ति का संबंध है, जो ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स का संबंध है, जो हायरार्की में हायर जो सुपरऑर्डिनेट है और सबऑर्डिनेट का संबंध है, और जो कोलीग का संबंध है, वो सारे संबंधों को हम कंस्ट्रक्टिवली डील कर सकते हैं, ऐसा बोलती हैं। ये एक सबसे मेजर आइडिया इनके थॉट में आपको दिखेगा। दूसरी बात, एज यूजुअल जो कोई भी थिंकर, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, पावर को कैसे एग्जर्ट किया जाता है, पावर अथॉरिटी कैसे होती है या कैसी होनी चाहिए, और कंट्रोल किस तरीके से मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ये इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं। और यही सर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, मैं इसको डिटेल में जाऊंगा, अभी मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा, मैं अभी आपको मेजर हेड बता रहा हूँ ताकि आपका एक ब्रॉड बन सके। अभी मैं जाऊंगा, वो नोट्स अभी खुला नहीं, वो नोट खुलेगा अभी। आप ब्रॉडर देखिए कि ब्रॉडर क्या है इनका, तो पावर अथॉरिटी और कंट्रोल, ठीक है, पावर अथॉरिटी और कंट्रोल जो है उसको हम किस तरीके से देखेंगे, डोमिनेशन के सिद्धांत से। और आपको याद आ रहा है डोमिनेशन का सिद्धांत किस क्लासिकल थिंकर ने बहुत डिटेल में चर्चा की है, वेबर साहब ने की है। तो वेबर साहब के चैलेंज थिंकिंग को चैलेंज कर देना इतना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने चैलेंज किया, बताया कि भाई साहब अल्टरनेटिव है हमारे पास, आपको दिख नहीं रहा वो अलग बात, आपने अपना आइडियलिस्टिक सेटअप बना लिया वो अलग बात। तो वेबर ने हालांकि कमेंट नहीं किया इनके कुछ भी, वेबर ने अपनी थ्योरी बनाई और निकल गए, बाकी सारे लोग एनालाइज करते रह गए, तो वो अलग बात है। बट इनकी थिंकिंग में वो दिखता है कि वेबर के थॉट को उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो पावर अथॉरिटी और कंट्रोल को हम डोमिनेशन वाले सिद्धांत से देखेंगे कि हम कॉन्स्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू कैसे डोमिनेट कर सकते हैं नए तरीके से। कोऑर्डिनेशन में आप देखेंगे जो बाद वाले थिंकर हैं, बर्नार्ड साहब और साइमन साहब, और जो न्यूअर थिंकर्स हैं जैसे कि लीकॉर्ड और जितने भी मैंने आपको नए वाले बताए, मैकग्रेगर वगैरह, वो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बहुत बेस्ट पॉलिसी है, बिना कोऑर्डिनेशन के बड़े वाले मशीन में काम हो ही नहीं सकता। सिस्टम्स थ्योरी वाले ने तो ये माना कि देर आर सब सिस्टम, देर आर इनपुट थ्रूपुट एंड आउटपुट एंड देर इज इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, रिक्स बोलते हैं, उसमें क्या है, सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो देर आर क्रॉस लिंकेजेस, डायरेक्ट लिंकेजेस, इनडायरेक्ट लिंकेजेस, बट दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं है कि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई काम हो जाए, नहीं तो क्या होगा, काम अंदर घुसा इस चैम्बर में और यहाँ पे इतना ज्यादा हमारा हलचल मचा कि वो चूरमा भी बन के निकल गया, काम रहा ही नहीं, काम हो गया बेकार। तो ये कराने के लिए, ये जो इसमें थ्रूपुट अच्छे से हो, प्रोसेसिंग अच्छे से हो, प्रोसीजर अच्छे से हो, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चाहिए, उसके लिए गोल्स ओरिएंटेशन चाहिए, उसके लिए आपको मॉनिटरिंग मैकेनिज्म चाहिए, उसके लिए ओवरसाइट मैकेनिज्म चाहिए, उसके लिए लीडरशिप चाहिए, सारी चीजें क्या करेंगी, और सारी चीजें डिलीबरेट होनी चाहिए, सब कुछ पहले से फिक्स होना चाहिए, तभी वो कोऑर्डिनेशन होगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन का इनका क्या मैकेनिज्म है वो भी हम देखेंगे। तो ये इनका मेजर थर्ड आइडिया। चौथा, लीडरशिप, किसी भी व्यक्ति ने लीडरशिप पे बात नहीं की क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज आप गौर करेंगे, वो इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं लेकिन लीडरशिप का नाम नहीं ले पा, क्यों नहीं नाम ले पा रहे, उनको मैनेजर ही सूझता है सब कुछ। ये बोलती है कि लीडरशिप एक थॉट है, लीडरशिप एक टैलेंट है, लीडरशिप एक प्रोसेस भी है, लीडरशिप एक जो गोल ओरिएंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन का तरीका भी है। तो लीडरशिप सिचुएशन का भी होता है, उसमें कौन लीडर उभर के आ जाएगा, लीडरशिप केवल मैनेजर नहीं होगा, मैनेजर विल नॉट ऑलवेज बी लीडर एंड अ लीडर मस्ट नॉट बी मैनेजर ओनली, ये चीज समझने की बात वो करते हैं। अब इसमें वो डिफरेंट डिफरेंट थॉट बताएंगी, तो ये चार मेजर थॉट को वो करती हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत उलझा हुआ है, इसलिए ये ब्रॉडर थॉट समझ लेना जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगी, डोमिनेशन जिसमें कि पावर अथॉरिटी और कंट्रोल के बारे में बात करेंगी, कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगी और लीडरशिप के बारे में बात करेंगी। इसके अतिरिक्त छोटा 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 फ्रैगमेंट अलग अलग जगह इनको मिलेगा, आपको मिलेगा, वो मैनेजरियल थॉट में आपको लगाना होता है। तो फॉले को अगर आपको लिखना है तो इन चार थॉट को बिल्कुल मिस नहीं करें,
ठीक है। अब जब हम इनका देखेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और क्या क्रिटिसिज्म है, तो वो हम देख लेंगे बाद में कि इनका क्या महत्ता है और क्या है। इससे पहले अब हमें आना पड़ेगा इनकी थ्योरी पे, जो ब्रॉडर थॉट बताया मैंने, और इनके जो बाकी नॉमिनल थॉट हैं उसको हम अब डिटेल में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपको समझ में नहीं आए आप डीप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट? यस, पिछला वाला भी दिखा था ना। चलिए पढ़कर खोले, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनको डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है। अब इनको जो सेटल्ड हुए, अब तो ये चीजें थॉट थी कि हाँ इतनी इतनी चीजें इनके बारे में कही जा रही हैं, इनका ऐसे ऐसे किया जा रहा है, लेकिन जो अब सेटल्ड थॉट आया कि आपको क्या सोचना है, क्या आप इसके बारे में एक सेटल्ड थॉट बना लें, वो ये लिखना है आपको कि ब्रिज, ये ब्रिज है क्लासिकल अप्रोच, जानते हैं आप वो सारे क्लासिकल अप्रोच वाले व्यक्तियों को, अभी भी चर्चा मैंने की, और बिहेवियरल ह्यूमन रिलेशन। अब ह्यूमन रिलेशन यहाँ पे आया था क्लासिकल के बाद, और बिहेवियरल वाला आया था, इनके बीच में तो ज्यादा खास लिंकेज था, इनके बीच में कम लिंकेज है, क्योंकि ये, लेकिन मूवमेंट तो हुआ, इवोल्यूशन तो हुआ, तो इन लोगों के बीच में जो एक लिंकेज का, एक शंटिंग का काम कर रही है, जो गाड़ी को आगे लेके जा रहा है इवोल्यूशनरी पैटर्न में, वो ये है मैरी पार्कर फॉले साहिबा, ब्रिज बिटवीन क्लासिकल अप्रोच एंड बिहेवियरल ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। और इनके अप्रोच का नाम क्या है? डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको समझने में कोई दिक्कत? जो सेटल्ड चलिए, अब देखिए ये क्या है कि इनका जो सबसे बड़ा थिंकिंग था कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन होना कैसे चाहिए, और आप इसको देखेंगे अब जो आज के डेट में देखेंगे वो भी मैं बताऊंगा, वो है मैरी, नाम भी थैंकफुली मैरी से ही स्टार्ट हो रहा है, मैरी और लियरी। ये कौन सी जगह पे है कुछ याद आ रहा है आपको? मिनोब्रुक थर्ड में इनका कॉन्फ्रेंस में ये चेयरमैन 2008 मिनोब्रुक 3 कॉन्फ्रेंस मैरी ओलियरी, राइट। और मैरी ओलियरी ने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे किया है? सोशल सिस्टम के तौर पे, एंड एडमिनिस्ट्रेशन को सोशल प्रोसेस के तौर पे, सोशल सिस्टम एंड सोशल प्रोसेस। अब देखिए मैरी ओलियरी का भी थॉट यही है, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया डिफाइन, इन्होंने डिफाइन किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सोशली एम्बेडेड प्रोसेस फॉर ह्यूमन फ्लरिशिंग ऑफ ऑल। देख रहे हैं थॉट की समानता दिख रही है आपको, सोशली एम्बेडेड प्रोसेस, तो थोड़ा सा आगे ले जाके थॉट को रख रही है वो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ को पूरा का पूरा डाल रही है। अब इनमें फॉले में क्या होगा, फॉले के टाइम में थेरीज बन रही थी, बिगड़ रही थी, चीजें उभर रही थी, इवॉल्व हो रही थी चीजें, कुछ भी सेटल्ड नहीं था। मैरी ओलियरी ने सेटल करने की कोशिश की कि हम डिफाइन ही करेंगे सोशली एम्बेडेड प्रोसेस, क्यों? क्योंकि दौर आया है न्यू पब्लिक सर्विस का, दौर आया है न्यू पब्लिक गवर्नेंस का, दौर आया है गुड गवर्नेंस का, दौर आया है गवर्नेंस अप्रोच का, या ये नेटवर्क अप्रोच का, या नेटवर्क गवर्नेंस का, या दौर आया है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का, या दौर आया है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें सोशली एम्बेडेड प्रोसेस को जन्म देती हैं। और आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ, नॉट ओनली सिंपल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फॉले का थॉट भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज्यादा काम करेगा उस टाइम में, और सरकारी व्यवस्थाएं जो है उतनी तेज चेंज नहीं होंगी जितनी तेज वो देखना चाहती है। तो आज के डेट में क्या ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ही सोशली एम्बेडेड प्रोसेस बना दिया गया, क्यों? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी ही नहीं हुआ, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ गवर्नेंस सिस्टम भी हो गया, गवर्नेंस वर्ड ही इटसेल्फ है, नेटवर्क है, रोइंग नहीं स्टीयरिंग है, जो कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से ही 90 से ही
चलता आ रहा है लगातार लगातार, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पैरेलल देखना और कनेक्ट कर देना। अब इसको उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है, तो थॉट बढ़ गया ना। क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, मशीन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज सिस्टम। सिस्टम ऑफ व्हाट, सिस्टम ऑफ नॉट सब सिस्टम, सिस्टम ऑफ नॉट पीपल, सिस्टम ऑफ व्हाट, डिजाइन। तो डिजाइन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं वो। और लोग जो है क्या है, मेयर कॉग इन द व्हील है, मेयर कॉग। दे आर नॉट पार्टिसिपेटर, दे आर जस्ट द फिजिकल बॉडी। तो यहाँ सोशल सिस्टम के तौर पे देखना अपने आप में क्रांतिकारी विचार है उनके टाइम में। और एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने क्या बोला, सोशल सिस्टम होगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, मैन, मनी, मटेरियल और मशीन और रिसोर्सेस। तो ये जो चीजें हैं, मैन, रिसोर्सेस एंड मशीन, ये सारी चीजें क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। इनको क्या उन्होंने बोला, एक सोशल सिस्टम के तौर पे बाहर। पैसा कहाँ से आएगा, सोशल सिस्टम में आएगा। ये मशीन जो है कहाँ पे फिट होगा, ये सोशल सिस्टम में फिट होगा। ये मैन कहाँ से आ रहा है, सोसाइटी से आ रहा है। तो ये इन्होंने निकाल दिया इस चीज से कि भाई ये बॉन्डेड नहीं है ये आपका, कि ये केवल मशीन जो है क्लोज सिस्टम्स होगा। इन्होंने ओपन सिस्टम्स की बात की। लेकिन अब दिक्कत ये होगी कि उतना उन्नत थॉट उस टाइम में आएगा नहीं। ये अपने आप में क्रांतिकारी थॉट है जो कि एक सिस्टम को सोशल सिस्टम मान रहा है, बट ये अब ओपन है या क्लोज है ये आपके थॉट में दिखेगा। जनरली आपको क्लोज दिखाई देगा फिर से, क्योंकि वो इकोलॉजिकल थॉट की सिस्टम्स पे इकोलॉजी का प्रभाव पड़ता है अभी तक नहीं आया था। वो कौन लेके आया, वो रिग्स लेके आया। और रिग्स के थॉट में आपको फॉले दिखेंगे, वो मैं दिखाऊंगा कहाँ पे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोशल सिस्टम है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया पूरा का पूरा मशीन, लेकिन उसको जो चलाने वाले, रन कराने वाले लोग हैं, जो हायर बॉडी है, जो सबसे टॉप बॉडी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन। वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता है, सोशल प्रोसेस के तौर पे चलता है। इन्होंने संकल्पना ली, इन्होंने बताया। तो सोशल प्रोसेस क्या है, सोशल प्रोसेस है कि मैन जो होगा उसको हम सोसाइटी का एलिमेंट समझें। जो मनी या रिसोर्सेज आएंगे वो सोसाइटी से आएंगे और वो इम्पैक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को बार बार। और जो मशीन बैठा होगा वो सोसाइटी में होगा, उसको चलाने के लिए क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सोसाइटल प्रोसेस के तौर पे चलाना होगा। वो डिक्टेटोरियल नहीं होना चाहिए, वो अनसोशल नहीं होना चाहिए, वो एविल ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। उस चीज को हमने कहाँ देखा, हिटलर की संकल्पना में देखा। हिटलर का एग्जांपल बहुत एप्ट है। हिटलर ने क्या किया, उसने बोला कि हमें सोसाइटी वोसाइटी से मतलब नहीं, हमें कोई भी आइडियल से मतलब नहीं, हम आइडियल अपना बनाएंगे, हमने जो सोचा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या हुआ, एविल एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म दिया उसने। लेकिन यहाँ जब सोशल सिस्टम और सोशल प्रोसेस की हम बात करेंगे, और उसका जो हिटलर का मॉडल है पूरा पूरा इंजीनियरिंग मॉडल है, कि एक थॉट होगा उसको हम देख भी नहीं रहे, वो हाइपोथेसिस मेरी सही है गलत है, ज्यूज का भाई सच में हमारा एक्सटर्मिनेशन करना जरूरी है कि नहीं, हमारे सारे रिसोर्सेज वो छीन ले रहे हैं ज्यूज, ऐसा बोला गया हिटलर के बारे में। हिटलर ने जनता को ऐसा बोला और जनता भी बिलीव कर ली। लेकिन सच में क्या ऐसा कर रहे थे वो, ज्यूज बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली उन्नत थे, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे जर्मनी को, लेकिन उसको हेट पैदा हो गया। तो वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने सोशल प्रोसेस के तौर पे कभी भी नहीं देखा, उसने डिबेट छोड़ना कभी नहीं सीखा। उसने बोला नहीं, मेरे पास पेन है, उस पेन को मैं अब रिलीव करना चाहता हूँ, और जनता से उसने बोला तुमको ये करना होगा उस पेन को रिलीव करने के लिए, और उसने कर दिया। तो सोशल सिस्टम पे देखना एक बहुत ही बड़ी बात है फॉले का। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या लाया इस चीज के लिए, सोशल सिस्टम बनाने के लिए या सोशल प्रोसेस बनाने के लिए क्या लाया। तो ह्यूमन डायमेंशन को ले आया। अब ये ह्यूमन डायमेंशन कहाँ आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में भी ये चीज दिखा। कहाँ पे, मायो हम पढ़े थे इससे पहले। मायो साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई हर्ड हाइपोथेसिस होना चाहिए रादर देन रैबल हाइपोथेसिस। और उन्होंने क्या बोला कि व्यक्ति जो है व्यक्तिवादी नहीं होता केवल, वो समाजवादी भी होता है। इसीलिए इसकी थॉट को क्या बोला, सोशल मैन का कॉन्सेप्शन दिया। अब ये लोग क्यों इतने ज्यादा मशीन और डिजाइन की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये सारे कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं, और इससे मार्क्स जो है खार खाएगा, बोलेगा मार्क्स की नहीं, ये जो तुम बोल रहे हो डिजाइन डिजाइन डिजाइन, ये डिजाइन अपने आप में गलत है, कैपिटलिस्ट डिजाइन। और इस चीज को उन्होंने हल्का हल्का इन थ्योरिस्ट ने चेंज किया कि सोशलिज्म चाहिए, सोसाइटी चाहिए, सोशियोलॉजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए, लेकिन आदमी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो विचारधारा कहीं ना कहीं फेबियन सोशलिज्म को दिखाता है, ग्रेजुअल चेंज को दिखाता है। मार्क्स की तरह बहुत ज्यादा क्रांतिकारी तो नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत सोसाइटी को ध्यान में रख रहा है, सोशल सिस्टम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ह्यूमन डायमेंशंस की चिंता कर रहा है। एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था लोगों का, जो हम देख रहे हैं क्रिटिसिज्म में,
किस में? टेलरिज्म में, फेयोलिज्म में, गुलिकेन अरविक वाले थॉट में, इन सारे थॉट।